हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल यूके ब्लॉगर संजू पर। तो साथियों आइए एक नई ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हम निकल रहे हैं आज घूमने को थल वाली रूट पे। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है थल और वहाँ से हम जाएंगे डिगोटी। और हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर के हमारे लिए कमेंट आ रहे थे कि डिगोटी गाँव को आप दिखाओ। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं डिगोटी गाँव। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन तक पहुंच सके। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से डिगोटी की तरफ को, तो बने रहिए साथियों। तो साथियों अब हम निकल रहे हैं डिगोटी की तरफ को, देख सकते हैं बाइक स्टार्ट हो चुकी है और हम निकल रहे हैं डिगोटी। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। साथियों आप देख सकते हैं हम मानी की मार्केट दिखाते हुए हम अब डिगोटी की तरफ निकल रहे हैं।
गाइस देख सकते हैं जो ये एरिया आपको दिख रहा है ना अभी यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस एरिया पे मतलब बहुत सारे जंगली जानवर जैसे बाघ बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखता है। एक दिन मैं शाम को करीब 5 बजे थल से मोहानी की तरफ को आ रहा था तो मुझे दिन में ही यहाँ पर बाघ दिखाई दिया इस एरिया पे, देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक डेंजर एरिया है। तो आप इस रास्ते अगर कभी सफ़र करते हैं तो मतलब आप सतर्क रहिए और मतलब थोड़ा सा अपना हेलमेट डालकर या मतलब जो भी है उस हिसाब से यहाँ पर सफ़र कीजिएगा, क्योंकि इस एरिया में लगातार दिन में भी बाघ दिखाई देता है। तो बने रहिए साथियों चैनल पे। और यहाँ से नीचे का लोकेशन कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, देखिए जो बाघ रहता है ना यहाँ से नीचे जो दिख रहा है झाड़ियाँ दिख रही हैं, यहाँ से नीचे को बाघ रहता है, यहाँ को नीचे को जा रहा था बाघ, यहाँ से ऊपर से आया था वो और यहाँ से नीचे जाता है। और लगातार बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बाघ दिखाई दिए है, कोई एक लोग मेरे को बताते हैं कि यहाँ पे टिकोटी में बाघ दिखता है, तो यहाँ पे बाघ दिखाई देता है, तो सतर्क रहिए। आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लोकेशन भी है। और अब आगे को निकलेंगे और आज मैंने जैसा कि आप सभी को बताया कि मैं आपको डिगोटी गाँव दिखाने वाला हूँ, तो बिल्कुल बने रहिए चैनल पर। मैं यहाँ से थोड़ा सा डिगोटी गाँव का झलक दिखाऊँगा आपको और उसके बाद हम ऊपर टॉप में जाएंगे, टॉप से दिखाएंगे डिगोटी गांव कैसा दिखता है, क्योंकि मेरे 2-3 सब्सक्राइबरों के कमेंट आए हुए थे कि आप लोग हमारे गांव की वीडियो बनाइए और हम आज जा रहे हैं डिगोटी गांव की वीडियो शूट करने के लिए। तो साथियों देख सकते हैं अभी हमें सड़क पर और उसके बाद हम ऊपर जाएंगे और यहाँ से देख सकते हैं ये सामने दिख रहा है ना आपको, ये डिगोटी है, इसको वल्ला डिगोटी बोलते हैं। और उसके बाद हम जाएंगे पल्ला डिगोटी की तरफ को, पल्ला डिगोटी के टॉप में जाएंगे, वहाँ से आपको पूरा लोकेशन दिखाएंगे जितना दिखेगा। तो बने रहिए, देख सकते हैं डिगोटी का गांव है, थोड़ा सा पेड़ है आगे तो साफ नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि डिगोटी का पूरा गाँव आप सभी को दिखा सकूँ। तो साथियों देख सकते हैं ये गंगा है, गंगा और आज हमको मिल चुके हैं यहाँ पर, और ये अभी थल से होके यहाँ मोहानी की तरफ को आते हैं, ये इनका डेली यहाँ से थल जाना, वहाँ से पैदल मोहानी आना। गंगा कहाँ से आए आप? थल से आए गंगा। तो देख सकते हैं साथियों बने रहिए चैनल पे। देख सकते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ को है डिगोटी वाली रोड और हम आगे निकल चुके हैं उसके आगे की तरफ। देख सकते हैं अब हम डिगोटी वाली रोड में निकल चुके हैं और यहाँ से ऊपर हम जाएंगे टॉप में सड़क में बहुत कम गड्ढे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अच्छी सड़क है और डिगोटी गांव के लिए सड़क जाती है, यहाँ से सड़क जाएगी करीब भसाड़ तक जाती है, तो भसाड़ के लिए जाती है, तो इसमें बहुत कम गड्ढे मिलेंगे आपको देखने के लिए। देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सड़क है और सड़क के किनारे का लोकेशन आपको दिख ही रहा होगा, चारों तरफ पेड़ पौधे और शाम का मौसम और ठंडी हवा, पहाड़ की खूबसूरती, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं।
तो साथियों देख सकते हैं यहाँ से ठीक सामने की तरफ जो आपको गांव दिख रहा है ये डिगोटी गांव है। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया हम अभी टॉप वाली जगह पर जा चुके हैं, लेकिन मगर यहाँ पर गांव के आगे बहुत सारे पेड़ पौधों की वजह से गांव साफ नहीं दिख पा रहा होगा। इसके लिए मैं आप सभी को माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं गया तो टॉप वाली जगह पर हूँ, मैंने सोचा कि यहाँ से डिगोटी का गांव पूरा मुझे हमें दिख जाएगा। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लग रहा है यहाँ का लोकेशन, और ये देख सकते हैं ये डिगोटी का गांव है और कुछ इस प्रकार से लग रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं, कुछ इस प्रकार से देखिए ये बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं और आगे घोड़े हैं। तो साथियों जैसा कि मैंने आप सभी को दिखाया और बताया कि हम डिगोटी गांव दिखाने वाले हैं, क्योंकि डिगोटी गांव तो हमें यहाँ से पूरा दिख नहीं पाया, और लेकिन यहाँ का जो लोकेशन है काफ़ी ज़्यादा सुंदर लोकेशन हमें देखने को मिल रहा है और देख सकते हैं। और यहाँ से जो हमारा त्रिभुवन भाई है वो यहाँ पे बैठते हैं, बाइक चलाना सीख रहा है, और KGF सोनू भाई भी है और कुछ इस प्रकार से बाइक चलाना सीख रहा है त्रिभुवन भाई। तो बने रहिए चैनल पे अभी। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा, और मैं प्रयास करूँगा कि अगली जो वीडियो और अगला ब्लॉग जो लाऊँगा उसमें डिगोटी का पूरा गांव दिखा सकूँ। और देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लोकेशन भी है और अंधेरा भी होने को है। अब हम बढ़ते हैं घर की तरफ को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।